हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन। तो सबसे पहले यार मेरी तरफ से और यहाँ पे टेकी होम की तरफ से आपको सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो गाइस, इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिपेंडेंस है मतलब पूरे आजाद है, आप कुछ भी कर सकते हैं इंडिया के अंदर, आपको गलत काम नहीं करना है। पर यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ नया करिए, इनोवेटिव सा करिए, अपने लिए अपने यहाँ पे अपने गोल रखिए, अपने गोल को अचीव करिए और उनको किक करिए। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ यार आपसे, इंडिपेंडेंस डे है, सब लोग झंडा फहराओगे मुझे पता है, अपने देश के लिए यार सब लोग करते हैं। पर यार एक दिन का नहीं, कल जो झंडा नीचे गिरा रहेगा ना, उसको जरूर से उठा लीजिएगा, क्योंकि सबसे यार दुख वही उसी टाइम होता है यार, जो झंडा हमारा नीचे गिरा रहता है ना, वो मुझे यार पूरे इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आता है। अब यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कल झंडा गिरा रहेगा ना, उसको जरूर से उठा लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बाय किया है Realme X। जैसे आप मेरा थंबनेल देखते हैं, इस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं, तो यहाँ पे Realme X को हमने बाय किया हुआ है 16,999 रुपीस के अंदर, तो आपको Flipkart के ऊपर ये देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, मैंने इस पूरी वीडियो के ऊपर कवर करे हैं, अनबॉक्सिंग तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने फोन जो है ना पहले ही खोल लिया है। तो गाइस, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इसकी, इसका पूरा ओवरव्यू कैसा लगता है स्मार्टफोन, कौन से कलर में मैंने यहाँ पे बाय किया है, सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, और कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, तो वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप करते हुए मत जाइएगा। तो गाइस, यहाँ पे है आपके सामने हमारा और सबका प्यारा Realme X। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक Realme X देखने को मिलता है, पीछे पे इसका बॉक्स है, और यहाँ पे बगल में रखा हुआ है इसका एक Vooc चार्जर, जो कि आपको यहाँ पे 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराता है, आपका फोन यहाँ पे बहुत ही बूस्टली फास्टली यहाँ पे चार्ज करता है। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बैक पोर्शन की। अब यहाँ पे बैक पोर्शन में आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कलर देखने के लिए मिलता है, जो कि है यहाँ पे ब्लू और पर्पल, और पर्पल कलर का जो कलर है ना यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे यार लाइट का थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा झोल झमला लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कलर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लू कलर तो यार बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा है, और जो ऊपर यहाँ पे इसका पर्पल कलर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मेरे को बहुत ज्यादा रियली पसंद आया है। अब मैं बात करता हूँ उसके कैमरा की। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको दो कैमरा देखने के मिलेंगे, एक है 48 मेगापिक्सल का और दूसरा है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का, और साथ में यहाँ पे आपको LED फ्लैश भी देखने के लिए मिलता है। नीचे यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है यार, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी नजर आती है, बिल्कुल बीचम बीच में यहाँ पे एक खड़े अक्षरों में लिखा हुआ है Realme। अब गाइस, यहाँ पे इतना ही नहीं, जो ऊपर की रिंग है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अपर्चर आपको 1.7 का अपर्चर देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, आपकी जो साउंड है वो ऊपर नीचे आप यहीं से ही मैनेज कर सकते हैं। अब गाइस, इसके फ्रंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 6.53 इंचेस की एक AMOLED फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, तो यार आपको कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छे से दिखने लग रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो इसके डिस्प्ले है ना, वो मेरे को बेहद बहुत ही अच्छी पसंद आई, और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिलती है। अब गाइस, इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन पैनल भी इसका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ तो देखिए, तो गाइस यहाँ पे जैसे ही मैं अबाउट फोन के अंदर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको Realme X देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे 4GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है, और गाइस यहाँ पे देखिए कलर OS वर्जन 6.0 है, और एंड्रॉइड वर्जन 9.5 में यहाँ पे ये रन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब गाइस, यहाँ पे ये तो रहा पूरा इसका, मतलब मैंने आपको बता दिया ये फोन के अंदर क्या क्या है, पर अब इसकी मेन जो स्पेसिफिकेशन है हम उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, और यहाँ पे जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रोसेसर जो है आपका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 octa-core CPU लगा हुआ है, 4GB की रैम के साथ ही आपको मिल जाता है। अब गाइस, इतना ही नहीं, यहाँ पे जो इसका कैमरा है, फ्रंट कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पॉपअप वालों की तरह आता है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग में मेरी फेस भी नहीं आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे उसका कैमरा है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बाहर आया और ये अंदर वापस चले जाएगा। तो गाइस, ये जो इसका कैमरा है, ये फीचर यहाँ पे इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि यार 16,000 की प्राइस में आपको ये कैमरा देखना बहुत ही मुश्किल है। अब गाइस, अगर मैं इसकी सेटिंग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैं ऐड करता हूँ, देखिए फिंगरप्रिंट स्कैनर मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, कोई पासवर्ड डालता, 1 2 3 4 5 6
अगर देखिए मैं यूज करता हूँ, फिर से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरे से ये पूछेगा अपना यहाँ पे फिंगर जो है ना इसमें एनरोल करिए। मैं यहाँ पे फिंगर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए तो गाइस यहाँ पे जो हमारा फिंगरप्रिंट है ना पूरा यहाँ पे एनरोल हो चुका है। देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा फोन इंस्टेंटली यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन भी देता है, हार्डवेयर भी देता है 16,999 रुपीज के अंदर, मतलब 17,000 के अंदर यहाँ पे आपको ये पूरा स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं दोबारा से देखिए यहाँ पे इंस्टेंट अनलॉक करता है। हाँ, थोड़ा सा प्रेस करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा इसका जो अपडेट आएगा उसमें यहाँ पे ये ठीक कर देंगे। तो गाइस ये रहा इसका पूरा ओवरव्यू। अगर मैं नीचे की बात करूँ, यहाँ पे आपको एक स्पीकर ग्रिल्स देखने के लिए मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है और 3.5 mm का आपको यहाँ पे जैक भी देखने के लिए मिलता है, जो कि आजकल बहुत बड़े बड़े स्मार्टफोन में तो देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको एक छोटू सा माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला एक पोर्शन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल माइक नॉइस कैंसिलेशन वाला भी देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल यही है आपका रियलमी एक्स, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। 16,999 रुपए के अंदर आपको बहुत ही अच्छी कीमत देता है। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप जाके ले लीजिए, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये मिलेगा। मार्केट में मार्केट से लेंगे तो गाइस यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मार्केट में आपको ये फोन जो है 1,000 या 1,500 रुपए महंगा ही देखने के मिलेगा। तो गाइस इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक है यहाँ पे आपका व्हाइट कलर का और है यहाँ पे आपका एक ब्लू कलर का। जो ब्लू और पर्पल कलर का है ना, ये जो एडिशन है ये मेरे को बहुत ही रियली खुद से पसंद आया है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ गाइस इसके चार्जर की, तो यहाँ पे आपको एक वूक चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि वनप्लस के चार्जर से बिल्कुल मिलती जुलती है। मतलब यहाँ पे आपको वनप्लस की ही डैश चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि ओप्पो ने इसका नाम रखा है वूक चार्जिंग। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो इसका कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है। इसकी जो पिक्चर्स है ना, मैं आपको यहाँ पे सैंपल्स आपको दिखा दूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो इसका पूरा कैमरा का पूरा लुक है, इंटरफेस है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रा 48 मेगापिक्सल का मेरे को यहाँ पे कैमरा मोड देखने को मिलता है और नाइट स्कैप देखने को मिलता है और यहाँ पे पैनोरामा देखने को मिलता है, एक्सपर्ट टाइम लैप्स। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं 48 मेगापिक्सल वाले में करता हूँ ना, तो गाइस यहाँ पे ना आप जूम कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, पर इसका जो फोकस है ना बहुत ही बढ़िया है और जो पिक्सल्स की क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे सारी फोटोज को अपने सैंपल्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा, तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत ही अच्छी आपको कैमरे की क्वालिटी देखने को मिलता है। अगर मैं वीडियो की यहाँ पे बात करूँ, वीडियो में यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग तक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है गाइज, क्योंकि यार यहाँ पे स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर दे रखा है, तो आपको 4K का सपोर्ट तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 4K तक का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब 4K रिकॉर्डिंग करता है तो यार गाइज बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके कैमरे की आपको सैंपल्स दिखाऊंगा, और वीडियो क्वालिटी तो मैं अभी नहीं दिखा सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे आपको रियली इसके सैंपल्स जो है ना वो यहाँ पे आपको शेयर करूँगा। और फ्रंट कैमरे से तो मैं यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो गाइस बस यार यही सब था इस वीडियो में। वीडियो में आपको पसंद आती है ना, जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी मेरे से जी बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको यार टाइम टू टाइम देते रहूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको हिट कर दीजिए मेरे चैनल में नए आ गए हो तो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।